नमस्कार, जाट जागरण में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भादू जाट। भादू एक जाट गोत्र है। इसे भादू भादो के नाम से भी जाना जाता है। इस गोत्र के लोग प्रमुख रूप से हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अगर हम इस गोत्र की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो पता चलता है कि भादू गोत्री जाटों की उत्पत्ति काबा गजनी नामक पुराने राज्य से होती है, जो अब वर्तमान में हरियाणा में आता है। काबा में गढ़ गजनी गांव के राजा भादसेन हुआ करते थे, जिनके नाम पर इस वंश का नाम भादू पड़ गया। आगे चलकर ये लोग भारत के विभिन्न राज्यों में फैल गए। इसके अलावा भी एक दूसरा मत सामने आता है, जिसके अनुसार भादू गोत्र की उत्पत्ति के बारे में हरियाणा और पंजाब के मारू स्थल सिरसा फतेहाबाद यानी बागड़ मारू की धरती पर चिन्ह मिलते हैं। भादू गोत्र के जाटों का राज्य संचोर से लेकर अजमेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, लूणकरणसन, हनुमानगढ़, गंगानगर, रावतसर से पंजाब में मालवा, जम्मू के कंठुआ जिले के आसपास कुछ गांव में और मारुस्थल से होकर हरियाणा में सिरसा फतेहाबाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर इनका राज्य था। भादू गोत्री जाट राज्यों के लगभग 250 से अधिक गांवों पर राज हुआ करता था। इतिहास में भादू गोत्री वीर खुद में एक बहुत शक्तिशाली योद्धा रहे हैं, जिन्होंने पांडु गोधारा जैसे बलशाली राजा को नाकों तले चबवाए थे। जानकारी के अनुसार राज्य जयपुर के सांभर प्रांत में करड़ और कांकरा नाम के ग्रामों में 800 वर्ष पुराने जो जादू के मंदिर कहलाते हैं, वे जाट भूपतियों के द्वारा बनाए गए हैं। इन मंदिरों में से 3 कोस दक्षिण की ओर एक गांव स्थित है, जिसे लोग भादवा गांव के नाम से जानते हैं। यहाँ एक बहुत पुरानी बावड़ी और एक कुआ है। बड़ी बड़ी पत्थरों की शिलाओं को जड़कर पूठियों को जोड़ जोड़कर कुएं की नाल बनाई गई है। इस कुएं की मजबूती, सुंदरता और प्राचीन शिल्प देखने लायक है। इस कुएं से उत्तर की ओर एक बड़ा भारी नील पत्थर कीर्ति स्तंभ खड़ा है। कीर्ति स्तंभ के दक्षिण में घुड़सवार सामने खड़े हुए दुश्मन पर दाहिने हाथ से तलवार का वार करते हुए वीर उगम जाट बाएं हाथ से घोड़े की नाल खींचे हुए अपनी इतिहास पर सी जाति की स्वाभाविक वीरता दिखला रहे हैं। एक शत्रु कटा हुआ घोड़े के पैरों में पड़ा है और दूसरे के सिर के ऊपर उगम वीर की तलवार से वार हो रहा है। इस प्रकार से अंदाजा लगा जा सकता है कि यह कोई आम वीर नहीं था, बल्कि एक महान योद्धा था। इसके अलावा वह काफी समृद्ध भी था, क्योंकि उस समय हजारों रुपए की लागत का कुआं और बावड़ी बनाना किसी छोटे मोटे धनी व्यक्ति की सीमा के बाहर था। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जंगल प्रदेश का भादरा भादू लोगों ने ही बसाया था, जो आरंभ में भादरा कहलाया था। सामंतराज नाम का एक राजा इतना दानी हुआ है कि वह भादू लोगों का एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। भागोरे नामक लोगों से उसका युद्ध हुआ था। उस युद्ध के पश्चात इन लोगों का दल मारवाड़ की ओर चला गया। अजमेर, मारवाड़े में भी इनके कई गांव इनके अधिकार में है, लेकिन अकबर के समय ये गांव इनसे छीन लिए गए। अगर हम अभी गोत्र के गांवों की बात करें तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भाड़ुओं की कोठड़ी, हनुमानगढ़ जिले में अहमदपुरा, अमनपुरा, रतन, पिल्ली, बगान, भद्र, बेडोपल, बैदेंगवाला, भांखरवाली, चौटाला, दौलतपुर, टिब्बी, ढाबा, डिंगगढ़, हनुमानगढ़, खाराखेड़ा, कुलचंदर, लखुवाली, मक्सर, मोरंग, खैरगंज, मोहनगंज, संगरिया, उत्तरादाब, जबकि गंगानगर जिले में भादूवाला, लालगढ़, जटान, मिर्जेवाला, पक्का भड़वान, सादुल शहर, सरदारपुरा, जीवन, तेलनवाली, चुरू जिले में बिदासर, मालसर, राजेसर, सीकर जिले में सीकर, तिरोकी छोटी, जयपुर शहर में सी स्कीम, गांधीनगर, जवाहर नगर, जयपुर जिले में हिरणोदा, कल्याणपुरा सेवा, लोपोदिया, मंडावरा, नरेडा, अजमेर जिले में ललई, कोरा, मुरैना, तिलोनिया, जबकि नागौर जिले में गिगिलिया, गोटन, जलसोकला, कालरू, मेड़ता, कातिया, किलसर, नागौर, मेडियों की ढाणी, मंजवास, मोटलिया, मंजरा, रालियाता, जोधपुर जिले में एकथली, आसापुर, गगरी, हरिया, धाना, जोधपुर, कस्तूरी, खतियासाना, लूनावास, नंदवान, पाल, उत्तम्बर, बाड़मेर जिले में अलपुरा, आदर्श जोगसर, बाड़मेर, भादो की ढाणी, भादो की बेरी, भदोए की ताल, चोखला, गरल, कवल्स, कर्ण, खारावाला, खुदासा, नोक, नोखरा, पुकार, भांदू की धनी, शिवकर, सोमद, उदसार, उमरलाई खालसा, जैसलमेर जिले में बनियाना,
जालोर जिले में भादू की ढाणी, चितलवाना खारा लालजी की डूंगरी, टोंक जिले में देशमान, दौसा जिले में आनंदपुरा चक आनंदपुरा, मध्य प्रदेश के थार जिले में तलवाड़ा, रतनाम जिले में भैंसा डाबर, देवास जिले में कवलसा कुमारियावराव, हरदा जिले में रणडले, जबकि हरियाणा के सिरसा जिले में दुकारा, एलनाबाद हरचंद का बांस, कलुआना खारिया किशनपुरा शेरा वाली ढाणी, फतेहबाद जिले में भंदूचंद वाला सोतार, जबकि पंजाब में शेरवाला कुलार वारियम खेरा के नाम लिया जाता है। अगर इस गोत्र के हम विशेष प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो उसमें सामंत राजा जंगल प्रदेश के भादू वंश शासक थे जिन्होंने भद्रा की स्थापना की थी। हरदत्त सिंह भादू ये काफी प्रसिद्ध कवि रह चुके। शेरुना एक लोक गायक और सामाजिक कार्यकर्ता। मनफूल सिंह भादू बीकानेर से कांग्रेस सांसद। देवाराम भादू, शिवराम, भैरव सिंह भादू, जगदीश भादू आरएएस राजस्थान, अजय भादू, कमलेश कुमार भादू एचसीएस हरियाणा, गणेश राम भादू, लालचंद भादू, सुनील भादू, श्रीराम भादू, कमलेश कुमार भादू, रघुवीर सिंह भादू, बलवंत सिंह भादू के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। अगर आपके पास भी जाट समाज से संबंधित कोई खबर या फिर गोत्र की हिस्ट्री या फिर किसी गांव की या प्रसिद्ध व्यक्ति की इतिहास है तो हमें नीचे लिखे फ़ोन नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेजिए, हम उसे प्रमुखता से हमारी मैगजीन और यूट्यूब और वेबसाइट पे देंगे। अगर आप जाट समाज से संबंधित खबरें चाहते हैं तो आप www.jagran.com पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको जाट समाज का इतिहास खबरें सभी कुछ विस्तार पूर्वक मिलेगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे जाट जागरण के साथ। जाट जागरण आपका अपना समाज का चैनल है। जय जाट।